इश्क मुर्शिद के एपिसोड 21 के प्रोमो का रिएक्शन लेके हाजिर है भाई। शुरू करते हैं अभी जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा मेहरबान। ओ भाई मेहरबान कैसे करूं। ओ भाई शादी शुरू हो गई, क्या बात है। क्या पता यार। अच्छा ये तुम क्यों खेल रहे हो गजल बख्श बन के, बोल दिया क्या? तो अब शिप्रा को खोने के बाद उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बहुत जल्दी नहीं हो गया? ऐसा बहुत जल्दी हो गया था, अगले एपिसोड में हो गया। पाकिस्तानी ड्रामास की यही बात अच्छी लगती है भाई, बहुत फास्ट चलते हैं भाई, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा फास्ट। मैंने तो सोचा था अगले एपिसोड और अभी हमें लगा था कि और हाइप बनेगी और हां बिल्डअप होगा और उसके बाद ये सब होगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ही ये सब हो गया। बट इनका आमना सामना मेहरीन एंड इनका भी आमना सामना होने वाला अगले एपिसोड में। ये बड़ा तो मेहरीन उसको बोल देगी कि हाँ तुम फजल बख्श ऐसा कुछ बोला, बन के क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो फजल बख्श, ऐसा तो नहीं। वो खुद से बात कर रही है, अपने को ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में आमने सामने नहीं दिखाया दोनों को बात करते हुए। पता नहीं, वो तो नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे तो ही पता चल जाएगा। भाई ये ड्रामा एक्सपेक्टेशन बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें तो भाई। हमने लास्ट एपिसोड देखा, आपने हमारा रिएक्शन भी देख ही लिया होगा उस पर। अब एपिसोड 21 का इंतजार करना पड़ेगा भाई पूरा हफ्ता। यार ये हफ्ते वाला सीन बहुत बेकार है यार, ये मत किया करो यार, बहुत लंबा है, बहुत इंतजार करना पड़ता है यार। बाकी जो भी हो भाई, ड्रामा ऐसा है कि उसका इंतजार करना भी वर्थ लगता है, बनता है, बनता है और बनता है। ऐसी चीज का इंतजार करने में ऐसा लगता है चलो ठीक है यार, फल अच्छा मिलेगा इसका, सफर का फल मीठा मिलता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शिप्रा है, उसको भी पता चल गया है फजल बख्श के बारे में। और वहाँ पर जब फजल बख्श बीच पे अकेला खड़ा हुआ था और वो देख रहा था जब शिप्रा को, और शिप्रा उसे मुस्कुरा के देख रही थी, वो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड लग रहा था मेरे, इमेजिनेशन जैसे उसका अपनी माँ को इमेजिन करता है वैसे ही वो उनको इमेजिनेशन में दिख रही थी। हाँ उसको भी इमेजिन कर, फजल बख्श का इमेजिन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। मुझे लगता है ये सब चीज़ों का ना सुकेना को एकदम से पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी और उसके बाद ये सारे इंसिडेंट होंगे, तो फजल बख्श को डिफेंड करने के लिए सुकेना नहीं रहेगी। ये भी हो सकता है सही, फिर सुकेना को बाद में पता चलेगा, उसके बाद वो फजल बख्श के बारे में उन सबको भी कुछ बताएगी कि उसकी वजह से ही मैं मेरी रुखसती हुई है और ये सब वगैरह वगैरह। तो देखते हैं भाई, सुकेना तो पूरी हेल्प करने ही वाली है फजल बख्श की, बाकी लोगों के दिल में सुकेना का तो राज होने वाला वैसे भी उसके घर पे जाके, क्योंकि उसकी सास उसको कुछ बोलेगी नहीं, उसके हस्बैंड भी उससे डर के रहेगा क्योंकि वो भाई भाई का हाथ बहुत बड़ा है उसके ऊपर। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आप बताओ भाई, आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा और कितना इंतजार कर रहे हो आप भी आने वाले संडे का, बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऑलरेडी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करके वीडियो को शेयर भी कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।